सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जी के लेक्चर चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि जो नए हैं, बिगिनर्स हैं और किसी भी तरह का स्पीकर बांधना चाहते हैं, मतलब 200 वाट, 150 वाट, जो कम बजट में जाते हैं वो 150 200 वाट इनफ है। 500 वाट तक कहीं यूज़ करते होंगे, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है कि भी घर के लिए कोई भी 200 वाट इससे इनफ होता है। 200 वाट अगर जेन्युइन आपके पास चीज़ है ना, तो 200 वाट 400 वाट बहुत ज़्यादा हो जाता है एक घर के लिए। तो जो 500 वाट तक का स्पीकर बांधना चाहते हैं, क्योंकि अब बांध लो 1000 वाट का भी बांध लो, 500 वाट का भी बांध लो, लेकिन उन्हें बांधने के लिए अनुभव एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए उन चीज़ों को बांधने के लिए, क्योंकि एक बार में 700-800 रुपये से भी ज़्यादा का उनमें खर्चा आ जाता है बांधने में। अगर आपके पास बड़ा है 500 वाट तक में आपको 200-250 रुपये तक का खर्चा आ जाता है बांधने में। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो के साथ बने रहे अंत तक। तो आज सिर्फ वीडियो इसी के ऊपर है कि कोइल को कितना, कोइल की कैलकुलेशन क्या है स्पीकर में सेट होने के लिए। मैंने एक सही स्पीकर की मैग्नेट निकाल दिया, बिल्कुल ओके स्पीकर की मैग्नेट निकाल दिया, ताकि समझाने के लिए, क्योंकि बास्केट में इस तरीके से सही से दिखा नहीं पाते कि कोइल कितनी बाहर है और कितनी बाहर होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बास्केट के नीचे का जो पूरे कोइल का सेटअप होता है वो मैंने उखाड़ लिया। तो वीडियो के साथ बने रहे अंत तक। तो कोइल क्या, तीन तरीके बताऊंगा कि कोइल एडजस्टमेंट्स जो है हम कोइल को कैसे कर सकते हैं। हमारे पास ये बहुत सारी कोइल हैं, कुछ इस प्रकार की। एक एल्यूमिनियम की सबवूफर की भी कोइल है, जो कि 4 लेयर की है, और ये सब कुछ पुरानी कोइल पड़ी है। ये लंबी कोइल भी है, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, ये यहाँ तक वर्क करती है, ये ऊपर ऐसे ही लिपटा हुआ है बस, तो देख सकते हो। तो बस यही आज की वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि कोइल को कैसे कैलकुलेट करें कि कोइल किसी भी स्पीकर में, क्योंकि अलग अलग मैग्नेट की अलग अलग गहराई हो सकती है, प्लेट की मोटाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में तीन तरीके बताऊंगा कोइल के एडजस्टमेंट के। इस प्लेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका स्पीकर कैसा बजेगा इस वार्सल का, और इसके ऊपर जितनी मोटी ये होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, और उतना ही अच्छा आपकी कोइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और वेव्स के द्वारा आपका साउंड जनरेट करेगी, उतना ही अच्छा होगा। तो पहले कुछ तरीके बता देता हूँ, फिर वो करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से। सबसे पहला तरीका तो यही है, और कि इस कोइल को इसके अंदर डाल के और दोनों टर्मिनल से प्लस माइनस लगाए थे। अगर कोइल हमारी बाहर निकलती है, तो अगर आपने इस टर्मिनल पे प्लस लगाया इस पर माइनस, और कोइल बाहर निकलती है, तो ये आपका प्लस पॉइंट ही है। और अगर रिवर्स करके पोलरिटी अगर आप इसकी रिवर्स करोगे और कोइल अंदर जाती है, तो इसका मतलब वो उल्टी वायरिंग हो गई, यानी प्लस में नेगेटिव लग गया है और नेगेटिव में प्लस पॉइंट आपका लग गया है। तो ये तो कोइल की तरीका हो गया कि कैसे कोइल का प्लस पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करें, और इसी में पहला राज छुपा हुआ है कि कोइल की एडजस्टमेंट क्या है। तो इसमें लगभग 9 से 12 वोल्ट तक की आउटपुट दें और इसको हाथ से पकड़े, जहाँ जितनी ज़्यादा ये वाइब्रेट हो रही है ना, जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है उस लेवल पे इसको सेट करना है। इसको करने के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है, क्योंकि अनुभव होगा तभी आप अच्छे से डिफाइन कर पाओगे कि कहाँ पे वाइब्रेट अच्छे से हो रही है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है इसका कैलकुलेशन वाला तरीका जो बताऊँ। अभी मेरे पास एक कोई भी फ्रेश कोयल नहीं है, सब ऐसे ही है मेरे पास रिपेयर करी हुई, तो इससे काम हो जाएगा। मैंने करके देख लिया, पहले मैंने देख लिया कि ये काम करेगी नहीं करेगी, तभी आपको समझाऊंगा। तो ये कोइल ठीक है, और तो सबसे पहले क्या करना है, जो दूसरा पहला तरीका मैंने बता दिया, वायरिंग पोलरिटी लगा के जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करे, पहला तरीका तो इसका यही है, वहाँ पे कोइल को सेट कर दिया जाए। अब दूसरा तरीका यह है, इसको इसके अंदर डालो पूरा जहाँ तक ये कोइल चली जाए, फिर अपना मार्कर या पेन लेके इसके अंदर निशान मार्किंग कर लो कि कोइल हमारी कितनी अंदर गई है और कितनी नहीं। दूसरा तरीका ये हो गया, और फिर इस कोइल को बाहर निकाल के कुछ टेप या स्केल की मदद से आप इसका मेजरमेंट लो कि कोइल हमारी कितनी अंदर तक गई है। बस जितनी भी कोइल आपके अंदर जाए, लगभग लगभग इसमें दिखा नहीं पाऊंगा, मैं देख के बता देता हूँ, कोइल हमारी जितनी भी अंदर जाए, कोइल हमारी 19 mm अंदर गई है, तो 19 का 18 मान लो, तो 9 mm पे इसका निशान लगा लो, 9 mm पे मार्किंग कर लो। तो मार्किंग करने के लिए 19 mm, देखो ये निशान लगा लगा है, 19 mm कोइल इस मैग्नेट के अंदर हमारी बैठ रही है।
तो 19 का आधा हो गया 9.5, तो 9.5 पे, 9.5 mm पे, या आप 9 mm पे इसकी मार्किंग करके यहाँ पे निशान लगा लो बस। ये कहाँ फंस गया, तो पेन की मदद से जब मैं 19 पे मार्किंग करूँगा तो मैं दिखा देता हूँ, 19 mm, 9 mm पे जब मैं मार्किंग करूँगा इसकी, तो वही इसका एडजस्टमेंट होगी। तो मैं रख के एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। तो देखो, जब मैंने 19.5 mm का जब मैंने हाफ करा, तो इसका 9 mm, 9 mm यहाँ तक आया, ये दिख रहा होगा, साइन में ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो बस यही तरीका है। तो जो हमारा हाफ करने के बाद जो हमारा मेजरमेंट निकलेगा, जितनी कोइल नीचे की तरफ आ रही है, जितनी कोइल पर मार्किंग की है, बस वही वाला हिस्सा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे मार्क दिख रहा है ना, बस ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर रहेगा, बाकी की सारी कोइल हमारी अंदर रहेगी। दूसरा तरीका तो ये हो गया। अब तीसरा तरीका जो सबसे आसान है, बट दूसरा तरीका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे बढ़िया तरीका ये दूसरा तरीका ही है, ठीक है? क्योंकि इसमें हमें ये भी पता लग जाता है कि कोइल हमारी कितनी अंदर तक जाएगी, कोइल को पूरी प्रॉपर जगह होनी चाहिए अंदर जाने की और पूरी बाहर आने की, ठीक है? दो तरीके बता दिए। तीसरा तरीका ये है, कोइल की पूरी मेजरमेंट लो कि कोइल वाइंडिंग हमारी कितनी है, फिर उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करो, 4 में जितना भी आए, फिर उसका 3 हिस्से, जो उसका 3 पोर्शन है, जो जब हम उसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे उसके लिए बता दूं मैं, जैसे हमारी इसकी लंबाई, अगर कोइल की लंबाई हमारी 10 mm है, तो 10 mm में लगभग 7.5 mm कोइल के अंदर होनी चाहिए और 2.5 mm हमारी कोइल के बाहर होनी चाहिए, यानी मैग्नेट के बाहर होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से यानी 3 1/4, यानी 1/3 हिस्सा हमारा कोइल का बाहर होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका तो दूसरा ही है, बट तीसरा तरीका भी इसी के ऊपर काम करता है। जब हम इसका 1/3 हिस्सा भाग करेंगे तो इतना ही कोइल बाहर निकलेगा जितना अभी मैंने मार्किंग कराया दूसरे से। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कोइल को कैसे सेट करें, किसी भी चीज़ को आप सेट कर सकते हो आसानी से। अब मैं इसको दिखा दूँ कि पोलरिटी कैसे चेक करें कि हमारी कोइल कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। तो ये मैंने कैमरा कर लिया इधर, और ये देखो मैंने ये कोइल अंदर कर दिया, और अभी मैं एक चार्जर की मदद से जब इसकी टर्मिनल्स पे लगाऊंगा, ये देखो, तो ये देख रहे हो कोइल बाहर आ गई, यानी इधर वाले पे मैंने पॉजिटिव लगाया, जो ये वाला हिस्सा है, इसमें कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और जब मैं इसकी पोलरिटी चेंज करूँगा, तो ये देखो ये हमारी कोइल अंदर जाएगी, इसका मतलब ये देखो, अभी मैंने पॉजिटिव पे लगा दिया, जब मैंने इसकी पोलरिटी घुमाई तो ये देखो कोइल हमारी अंदर चली गई, तो इसका मतलब टर्मिनल्स गलत लगे हुए। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा तरीका, कौन सा पॉइंट हमारा पॉजिटिव है और कौन सा पॉइंट नेगेटिव। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं आप सभी के लिए ला सकूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग जी के इलेक्ट्रिकल्स।